तो यहाँ पे हमारा डोर हो गया, यहाँ पे हो गया बड़ा सा ग्लास, यहाँ पे हमारे कपड़े हो गए, और ये एक बड़ा सा सोफा, और ये हमारा बिस्तर, यहाँ पे हमारा GoPro, Acer का लैपटॉप, बेसिन है। और इस तरह से हमारी पूरी लाइफ जो है एक रूम में निकल जाती है, यानी जब तक हम विदेश में रहते हैं। हेलो नमस्कार मराबा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अफरोज रब्बानी एंड यू वाचिंग रब्बानी व्लॉग्स। दोस्तों आप हमारे वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हो, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हो, लाइक करते हो, कमेंट भी करते हो, और इसके हिसाब से मैं आपको कंटेंट भी देता हूँ जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा, जैसे कि मैं कैमरे के सामने आपको दिख रहा हूँ, आप अपने स्क्रीन में मुझे आराम से देख पा रहे हो, लेकिन कैमरे के पीछे जो क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या खिचड़ी पकती है, क्या कहानी होती है, ये आपको नहीं पता चलती होगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, यानी आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैमरे के पीछे का रब्बानी कैसा है। आप हमें देखते हो लेकिन आप ये नहीं जान पाते हो कि मैं सारी चीज़ें कैसे प्रोसेस करता हूँ, किस हिसाब से गुजरता हूँ, क्या क्या चीज़ें करता हूँ, और किस तरह से मैं सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद आपके पास एक वीडियो पहुँचा पाता हूँ। एक वीडियो के पीछे जो मेहनत लगती है वो आप कभी नहीं जान पाओगे, केवल एक यूट्यूबर ही जान सकता है कि वीडियो के पीछे की जो मेहनत है वो किस हिसाब से होती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने रूम से शुरुआत करूँगा, आपको पूरा रूम दिखाऊँगा, उसके बाद मैं कौन से इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ, किस तरह से एडिट करता हूँ, और सारी प्रोसेस कैसे होती हैं। इन सब के बावजूद मैं ड्यूटी भी करता हूँ, और उसके बाद मैं टाइम निकाल के वीडियो एडिट करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, और उसके बाद एक आपके पास वीडियो पहुँचती है जिसे आप उस हिसाब से प्यार नहीं देते हो, क्योंकि मेरे पास एक ऑलरेडी जॉब है, और वो भी ऐसा कि मैं हाउस ड्राइवर हूँ, और हाउस ड्राइवर आपको पता है कि हमेशा रेडी रहना पड़ता है, कभी भी फ़ोन आ सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर वीडियो दे पाता हूँ। ये हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि जिस तरह से आप लोग हमें सपोर्ट करते हो ना, वीडियो बनानी ही पड़ती है। हमेशा दिमाग में यही रहता है मैं अगर वीडियो नहीं डालूंगा तो आप लोगों को जो सवाल आता है भाई वीडियो क्यों नहीं आ रही है, इसका जवाब मैं कैसे दे पाऊंगा। एक दिन गैप होता है, दो दिन होता है, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ ना मैं डेली व्लॉग दे पाऊँ। आप तो ये सोचते होगे कि एक दिन लेट हो गया, लेकिन टाइम नहीं मिलने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एडिट नहीं कर पाता हूँ टाइम से, तो लेट हो जाता है, उसके लिए वो अगले दिन वीडियो आता है, तो एक दिन गैप हो जाता है। तो फिलहाल मैं अपने रूम से शुरुआत करूंगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो यह डोर, एक बड़ा सा ग्लास है, उसके बाद यहाँ पे साइड में हमने हैंगर लगाया हुआ है, और यहाँ पे मैं पूरे कपड़े रखता हूँ, और देखो यहाँ पे मैं एक ही बार इस्त्री करके पूरे कपड़े रख लेता हूँ और एक ही बार धो लेता हूँ, यानी हफ्ते में एक बार ये पूरा प्रोसेस होता है, और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा समय जाता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। तो यहाँ पे हमारा डोर हो गया, यहाँ पे हो गया बड़ा सा ग्लास, यहाँ पे हमारे कपड़े हो गए, और एक हैंगर में हम इतने सारे कपड़े रखते हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारे जो काम आते हैं सुबह सुबह गाड़ी वाड़ी साफ़ करने के लिए, झाड़ू है, वाइपर है, और यहाँ पे एसी है, और ये एक कुर्सी जो हमारे दोस्त लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, उनके लिए बिठाने के लिए, और ये एक बड़ा सा सोफ़ा, इस पर भी मैं कभी कभी बैठ के आराम कर लेता हूँ, और ये हमारा बिस्तर 3x6 का, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे बात करें तो हमारा वॉलेट, ये ड्रॉवर है, इसके अंदर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कैमरे, बैटरी के चार्जर, यहाँ पे ट्रिमर, और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ क्वाइंस। और इस वाले ड्रॉवर की बात करें तो यहाँ पे हमारा बड़ा वाला ट्राइपॉड, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कम यूज़ करता हूँ मैं, इसके अंदर डाल देता हूँ। स्क्रू ड्राइवर भी है जो हमें कभी कभी काम आता है। और इस साइड की बात करें तो हमारा फ़ोन का चार्जर, वाईफाई एक्सटेंडर, यहाँ पे हमारा ग्लास जो हम कंप्यूटर यूज करते वक्त यूज करते हैं ताकि आँखों पे ज़्यादा दिक्कत ना हो, यहाँ पे हमारा GoPro, और इसे हम एक्शन कैमरा बोल सकते हैं, लेकिन ये DJI का है। इसके बाद यहाँ पे एक और माइक, और दूसरा वाला माइक इसमें लगा हुआ है, ये देख सकते हो। हमारा फ़ोन भी यहाँ पे पड़ा हुआ है जो कि 3.5 साल हो चुका है, Acer का लैपटॉप, और इसमें पूरी वीडियो एडिट होती है, प्रोसेस होती है, अपलोड होती है। यहाँ पे एक बड़ा सा चेयर जिसपे मैं बैठ के सारी चीज़ें एडिट करता हूँ, और यहाँ पे ये टेबल देख सकते हो। इस ड्रॉअर की बात करें तो यहाँ पे जैसे ही मैं ओपन करूँगा यहाँ पे 2 TB का हार्ड डिस्क मिलता है, जिससे जो भी हमारी वीडियो होती हैं वो हम इसके अंदर रखते हैं ताकि हमारा लैपटॉप फुल ना हो। बड़ा वाला ड्रॉअर खोलते हैं तो यहाँ पे हम कपड़े रखे हुए हैं कुछ, जो कि मैं बहुत कम पहनता हूँ। नीचे एक और लैपटॉप रखा हुआ है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बहुत ही पुराना है। और इस वाले ड्रॉअर की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, एक छोटा सा फ़ोन है जो कि मुझे जब मैं सऊदी में नया आया था उस टाइम पे मिला था, बैटरी निकाल के रखा हूँ ताकि बैटरी ख़राब ना हो। तो आधी चीज़ें आपने देख ली, तो इतनी सारी चीज़ें हमने दिखा दी, लेकिन अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा जानबाज, हम रूम में नमाज़ पढ़ते हैं, और यहाँ पे देखो इसके अंदर हमारे जूते वगैरह रखे रहते हैं, इसके अंदर कुछ जो ओवर चीज़ें हो गई ना वो रखी रहती हैं। नीचे आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक डंबल है, इसे हम कभी कभी मेहनत वगैरह करना मन करता है तो कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फ्रिज है, बड़ा सा फ्रिज, के अंदर कुछ भी नहीं होगा केवल पानी रखा है, सेब रखा है, क्योंकि खाना हम यादों के रूम पे बनाते हैं। यहाँ पे देखो ये ऑयल है, और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, बाकी यहाँ पे बॉटल वाला पानी, और यहाँ पे ड्रावर है, इसके अंदर किचन का सामान रहता था पहले,
अभी नहीं है क्योंकि सारा चीज़ हम यादों के रूम में शिफ्ट कर दिए। देखो यहाँ पे हमारा किचन, देखो यहाँ पे गैस रखा हुआ है और भी चीज़ें। जब खाना बनता था तो मज़ा आ जाता था इधर, देखो बड़ा सा एकदम है। इस साइड हमारा हीटर रखा हुआ है, हमारे दोस्त का है, वो छुट गया था तो हमें दे के गया था। बाकी यहाँ पे एक और भी चीज़ें, यहाँ पे डस्टबिन रखी हुई है यहाँ पे साफ़ करने के लिए फेरी वगैरह। अब यहाँ पे हम बाथरूम में जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिन है, यहाँ पे हम हाथ वगैरह धोते हैं। यहाँ पे भी एक गिलास रखा हुआ है देखो, और यहाँ पे ये भी हमारे दोस्त का है, छुट्टी गया हुआ है तो मैं इसके पास से लेके आया हूँ, कपड़े धोने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। बाकी यहाँ पे दो बाल्टी, इसमें पानी भर के रखे रहता हूँ ताकि वह मैं नहाने के काम आएगा क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। यहाँ पे हमारा ये सुबह का खाया पिया निकालने के लिए, और इस तरह से हमारी पूरी लाइफ जो है एक रूम में निकल जाती है, यानी जब तक हम विदेश में रहते हैं। हमारा रूम तो काफ़ी बड़ा है लेकिन बहुत सारे लोगों का रूम ना भाई इतना छोटा होता है कि मैं क्या ही बताऊं। मैंने आपको इससे पहले भी दिखाया हुआ है, हमारे एक रिश्तेदार है उनका रूम कितना छोटा है, तो आई बटन में लिंक डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी जाके, वहाँ से भी आप देख सकते हो, तो वो वीडियो ज़रूर देखना अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हो। तो मतलब ज़्यादातर एक्सपेक्ट उसी रूम की करना, मेरे जैसा रूम ना 1% लोगों के पास ही होता है क्योंकि 100 में से 99 लोग ना बहुत ही छोटा रूम बनाते हैं। बाकी की चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो झूमर देख रहे हो ये कचरे में फेंकने के लिए दिया गया था मुझे, मैंने उन्हीं से ड्रिल मांग के अपने रूम पे लगा दिया। ये ट्यूबलाइट नहीं जलता है जिसकी वजह से थोड़ी सी रोशनी कम होती है और मैं इसे लगाना भी नहीं चाह रहा। यहाँ पे एक और LED लाइट, और यहाँ पे एक और लाइट था पहले तो वो भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आजकल लाइट मैं बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ। मतलब टोटल हमारा रूम यही है, पूरा काम यहाँ पे होता है टेबल पे और यहीं से आपको वीडियो देखने को मिलती है। बाकी सब बढ़िया है यार, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है जो हमें यहाँ पे टिकाए रखी है, नहीं तो कब का हम निकल लिए होते। क्योंकि हमारे पास जो भी टाइम बचता है हम आप लोगों के लिए खर्च कर देते ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट आपके पास पहुंचा सकें। अगर आपको हमारा वीडियो देख के कुछ जानने और सीखने को मिलता है, अगर आपको हमारी वीडियो देख के थोड़ा सा मज़ा आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया इस वीडियो को तो शेयर भी कर दीजिए, और भी लोगों को सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारी ये फैमिली ना और भी बड़ी हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और उम्मीद करता हूँ आपको ये रूम टूर या फिर आप सेटअप टूर जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी है, अच्छा लगा होगा देख के। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाय।